नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मोटोरोला की तरफ से मोटो का मोटो एच 40 नियो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो में, यह मेरे पास मोटो का मोटो एच 40 नियो ब्लैक कलर, जिसमें है मेरे पास 8 GB और 128 GB वाले वेरिएंट ब्लैक कलर का। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, लॉन्च हुआ है ऐसे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी मैंने इसको काफ़ी अच्छी कीमत में लिया है, वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो दोस्तों जी मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, अपनी मार्केट से ही लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो इस पर लगा हुआ है 8128, क्योंकि जो ऑफलाइन वाले होते हैं वही बॉक्स ऊपर इस तरीके से प्राइस और वेरिएंट का स्टोरेज डाल के रखते हैं, जिससे उनको सेल करने में आसानी हो, कौन सा कलर है, कितने जी वाला है। अब इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से क्यों लिया, इसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, और दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए मेरे पास है इसका 8 GB 128 GB वाला ब्लैक ब्यूटी वाला कलर मोटो एच 40 नियो। इसकी MRP की बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी MRP। इसकी MRP दोस्तों देखिए 27,999 रुपये रखी गई है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है दोस्तों मार्च 2024 की, बट मैंने इसको काफ़ी अच्छी कीमत में अपनी ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया। चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें बॉक्स में दोस्तों हमें क्या क्या मिलता है फ़ोन के साथ साथ। वैसे काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। ये देखिए एक इसके अंदर बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, एक कवर मिलता है जो दोस्तों ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक ठाक है, और यह है कि इतना अच्छा नहीं है जितना हमें उम्मीद थी। जैसे हमें वीवो वगैरह देते हैं उस तरह का कवर दोस्तों हमें इसमें नहीं मिला, तो वही थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप अगर इस कवर के साथ अपने फ़ोन को यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन पे डेंट आने के चांस और डिस्प्ले के टूटने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टाइलिस कवर है देखने में, बाकी प्रोटेक्शन वाइज कोई भी अच्छा नहीं है इसमें। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखो क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ है इस तरह के कवर जो हमें ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। ये देखिए पहले तो जी मिलती है हमें कुछ किताब वगैरह, कुछ स्टीकर और कुछ नहीं है, ये पिन मिलती है, सिम इजेक्ट टूल जो होता है। दोस्तों मैं आपको कवर दिखाता हूँ, ये देखो ये कवर हार्ड प्लास्टिक का है, बट जी बेकार मैंने इसलिए बताया है क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो इसमें सिर्फ नीचे और ऊपर साइड में ही बम निकला हुआ है, साइड से दोस्तों एकदम जो फ्लैट है, कोई भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। अभी मैं आपको इसमें फ़ोन लगा के दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि ये सिर्फ हमारे बैग पर स्क्रेच रोक सकता है, बाकी इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि अगर आपका फ़ोन हाथ से छूट के इस तरह गिरता है या यूँ गिरता है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स में और क्या है वो देखते हैं। ये फ़ोन है, अभी इसको रखते हैं साइड में, और भी कुछ है इसके अंदर यहाँ उसको देखिए, इसमें हमें ये डाटा केन मिलती है जो दोस्तों टाइप सी है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो हमें चार्जर मिलता है 68 वॉट का, वो दोस्तों टाइप सी वाला ही आता है, आप देख सकते हो। तो इसमें हमें दोस्तों केबल मिलती है वो टाइप सी मिलती है, और जियो चार्जर है दोस्तों ये 68 वॉट वाला चार्जर है जो आपके फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज कर देगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें बॉक्स के अंदर सब कुछ मिलता है, कवर भी मिलता है, भले ही कैसा भी क्वालिटी हो लेकिन मिलता है। तो ये अच्छी ये चीज़ है कि आपको कहीं से अलग से कोई चार्जर खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ोन देखते हैं, फ़ोन दोस्तों ब्लैक कलर में लिया है क्योंकि ब्लैक कलर एकदम प्रीमियम फील देता है। ये देखिए इसकी डिस्प्ले दोस्तों कर्व है साइड से। अब मैं आपको पहले लगा कर दिखाता हूँ कवर, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आप देख सकते हो ये देखिए कवर लग गया पीछे से, ये समझ लीजिए कि इस पर सिर्फ मैंने पीछे जो लेमिनेशन होती है प्रिंटेड वाली वो करा रखी है, बाकी कुछ नहीं है इस कवर के अंदर, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन इस साइड से गिरता है ज़मीन पे तो देखिए पूरा खुला हुआ है, इस साइड से खुला हुआ है, और डिस्प्ले तो दोस्तों आपकी पूरी खुली हुई है। अगर आप न्यू फ़ोन गिर जाता है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है,
तो ये सिर्फ एक आपको लुकिंग वाइज अच्छा लगेगा और स्क्रैच वगैरह से बचाएगा, बाकी कोई भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की फीचर्स की, जो है क्या क्या मिलता है। तो चलिए जो है बूट भी कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 6.55 इंच की एक फुल HD वाली OLED डिस्प्ले दोस्तों। AMOLED टाइप से होती है OLED डिस्प्ले। जो OLED डिस्प्ले जो होती है दोस्तों वो हमें मोटोरोला के फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देखिए इसमें लोगो आ चुका है, ये हो चुका है ऑन दोस्तों। काफ़ी पार्ट था क्योंकि सेटअप मैंने इसको पहले ही कर दिया था तो कोई उसमें ज़्यादा इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन दिख रहा है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले इसकी है 6.5 इंच की, जो कि एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले है। बैटरी की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसके साथ दोस्तों आपको 68 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपकी बैटरी दोस्तों 1 से 1.5 दिन का टाइम, 1.5 दिन तो आराम से निकाल देगी, बट अगर आप थोड़ा हैवी यूज करते हो फिर भी दोस्तों आपका ये 1 दिन 6-7 घंटे का बैटरी 6 घंटे का बैटरी बैकअप तो आराम से दे ही देगा। और दोस्तों इसमें कैमरे की बात की जाए तो इसमें हमें रियर में 2 कैमरे मिलते हैं, 50 MP प्लस एक 13 MP का, जो कि दोस्तों ये आप देख सकते हो, जिसमें एक 50 MP का है ये और दूसरा है 13 MP का। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 32 MP का सेल्फी कैमरा है, तो आप दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो और फोटो वगैरह ले सकते हो। तो कैमरे के मामले में दोस्तों आपको कोई भी निराश होने की ज़रूरत नहीं मिलेगी इसकी तरफ से। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2G, 3G, 4G सारे बैंड मिलते हैं और 5G दोस्तों इसमें कई सारे बैंड मिलते हैं, जो कि आपके क्षेत्र में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं वो सारे बैंड इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जो कि दोस्तों इसका सबसे तगड़ा हाईलाइट है। क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में दोस्तों हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है हमें 7030U का डायमंड सीरीज की तरफ से एक अच्छा प्रोसेसर, जो कि दोस्तों इस फ़ोन में सबसे पहले ये प्रोसेसर आया है, जो एक नया प्रोसेसर था जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले इसी फ़ोन में ये वाला प्रोसेसर आया था। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इसका प्रोसेसर है, अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग में आप अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और दोस्तों वैसे अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दोस्तों। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है आपको इस फ़ोन के अंदर और फेस अनलॉक मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों आपको डिस्प्ले के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये डिस्प्ले OLED है यानी AMOLED टाइप से है। और दोस्तों इसकी थिकनेस की बात की जाए तो ये काफ़ी पतला फ़ोन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोटा फ़ोन हो। आप देख सकते हो कवर लगाने के बाद भी जी हमें काफ़ी अच्छी लुकिंग वाइज फील दे रहा है। इसके अंदर दोस्तों आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एक इस साइड और एक दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पे। तो आपको अगर आप मूवीज वगैरह या कुछ देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पांस मिलने वाला है दोस्तों, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब प्राइस की बात करूँ तो अगर आप फ़ोन को ऑफलाइन ऑनलाइन देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पर तो जी आपको 21,000 का दिखाया जा रहा है, और अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है कोई भी क्रेडिट कार्ड HDFC एक्सिस बैंक या ICICI का तो आपको 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, तो जो आपको 20,000 का पड़ जाएगा। प्लस दोस्तों आपको जो पैकेजिंग चार्ज होता है, जो आपको जो बंदा आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से वो ओपन बॉक्स डिलीवरी का चार्ज लगता है वो 100 से 110 रुपये समथिंग का है। तो इस तरीके से जो आपको 20,100 का मिल जाएगा। बट मैंने इसको ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए परचेस किया क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको ऑनलाइन मंगाता तो 3 दिन की डिलीवरी दिखा रहा था, 3 दिन बाद मिलता, प्लस जो कलर मैंने लिया है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। तो इसको मैंने अपनी मार्केट में ट्राई किया, वहाँ ये मुझे आसानी से मिल गया, जिसके अंदर दोस्तों मुझे जो एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे वो करने पड़े थे 300 रुपये ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, यानी दोस्तों मुझे ये 20,400 रुपये का आराम से मार्केट में मिल गया। जबकि आपको पता है कि जो ऑनलाइन फ़ोन होते हैं उनमें हमें मार्केट में कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता, फिर भी दोस्तों मार्केट में मुझे इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया और तुरंत फ़ोन मुझे मिल गया। तो ये अच्छी बात थी क्योंकि मुझे 3 दिन का वेट नहीं करना पड़ा और जो कलर मुझे चाहिए था वो दोस्तों मुझे मिल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर इस फ़ोन से कोई भी कमेंट वगैरह हैं, कोई भी शिकायत, कोई भी दोस्तों आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो किसी भी बात को लेके, इस फ़ोन को लेके
आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरे कोशिश करूँगा इसके जवाब देने की। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।